दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले इनके टर्म्स कंडीशन जाने और खास कर इस एप्लीकेशन की अपडेट्स के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। एक रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके मदद से आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताया भी है कि किस तरह से लोन अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। सब कुछ जानने के लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस ऐप की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर मिलता है इंस्टेंट पर्सनल लोन और सैलरी एडवांस लोन आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर मिलता है 8,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन बड़े आसानी से ले सकते हैं। वो भी आपको बता दें 10 मिनट के अंदर में 3 महीनों से लेकर 24 महीनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। 100% डिजिटल पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। मिनिमम पेपर वर्क आपको यहाँ पर दोस्तों करनी होगी, वो भी ऑनलाइन ही सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर करनी होगी। किसी तरह का कोई कलेक्टोरल चार्जेस नहीं है, ना कोई प्री क्लोजर चार्ज आपसे लेती है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं। इनके 5,00,000 से ऊपर हैप्पी कस्टमर हैं और अब तक 35,00,000 लोन डिसबर्समेंट दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है, इस ऐप की अपडेट्स भी देने वाले हैं। अपडेट्स क्या है ये जाने बिना तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें। अब लोगों के मन में ये सवाल होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन हैं तो ही आप लोन अप्लाई करिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप करके जा सकते हैं। दोस्तों आप सबों के लिए अलग से वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट आप कर लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड प्रोफेशनल लोगों के लिए एप्लीकेशन ये दोस्तों काम करेगी। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और पर मंथ आपकी जो सैलरी होगी मिनिमम 15,000 रुपए होनी चाहिए। तो इस चीज को एलिजिबिलिटी अगर पूरा करते हैं और सैलरीड पर्सन है और आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट के यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होती है। अगर आप इस चीज को फुलफिल करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तब तो भाई आपको यहाँ पर लोन की एलिजिबिलिटी जरूर मिल जाएगी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से लोन अप्लाई करना है वो चीज भी हम आपको दोस्तों इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 2% के हिसाब से ये इंटरेस्ट चार्ज करती है पर मंथ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सालाना यहाँ पर 75% भी जा सकते हैं, 16% से स्टार्ट करती है और हो सकता है 74% भी चला जाए। तो अलग अलग अमाउंट के ऊपर दोस्तों ये वैरी करेगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ये लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। यहाँ पर देख पाएंगे अर्ली सैलरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पर आपको अब जो देखने को मिलेगा वाइब करके नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिलेगा। पहले एप्लीकेशन ये अर्ली सैलरी के नाम से लोग जानते थे, यही एप्लीकेशन की अपडेट्स है। बहुत सारे इनके NBFC पार्टनर यहाँ पर दोस्तों नीचे में देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं 6 से 7 इनके NBFC पार्टनर है। किसी एक NBFC के जरिए से आपको लोन सेक्शन करती है। तो इस एप्लीकेशन की अपडेट ये भी है कि यहाँ पर पहले एप्लीकेशन का नाम था अर्ली सैलरी, अब इसी के नाम पे अब आपको देखने को मिलेगा 5। अब इस ऐप के नाम से आपको देखने को मिलेगा, इसी नाम से अब आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी देखने को मिलेगा 5 के नाम से। और इस अर्ली एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं अपने गूगल अकाउंट से और या फिर मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। उसके फिर आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पड़ाव देखने को मिलता है, यानी किस तरह से आप लोन अप्लाई कर पाते हैं। वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहे, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। दोस्तों सबसे पहले ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिलअप करना होगा, जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और साथ साथ यहाँ आपको बताना होगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर्सन ही लोन के लिए अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या फिर स्टूडेंट होंगे यहाँ पर डेफिनेटली लोन के लिए अप्लाई नहीं करिएगा, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगी। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना होगा मंथली सैलरी क्या है, ऑफिस पिन कोड, एरिया पिन कोड और उसके बाद पैन नंबर डालने के बाद नीचे से कंसेंट देना है और नीचे से साइन अप वाले बटन के ऊपर दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाता है फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आपकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्लीट रेसिडेंट एड्रेस डालेंगे और साथ ही साथ प्रोफेशनल डिटेल्स शेयर करना हो कंप्लीट एड्रेस के साथ।
तो यहाँ पर दोस्तों आपकी एक टोटल एक्सपीरियंस क्या है, ईयर और मंथ में आप बताएंगे, एम्प्लॉयर नेम बताएंगे, किस कंपनी में काम करते हैं सारे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर डिजिनेशन यानी पोस्ट वगैरह आपको सारी कंप्लीट एड्रेस के साथ आपको दोस्तों यहाँ पर बताना होगा। फिर नीचे से आपको दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि आपको शेयर करना होगा सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिकमेंड भी आपको कर दी है। अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो 5 मिनट के अंदर में आपको सारा चीज़ें पता चल जाएगा कि आपको अप्रूवल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अदरवाइज आप यहाँ पर ऑफलाइन तरीके से बैंक स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना होगा मिनिमम 3 महीनों के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखा कि क्या क्या चीज़ें दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपसे लेती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पर लोन अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ मुझे यहाँ पर लोन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मैं एक सैलरीड प्रोफेशनल नहीं हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ। तो मैंने ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था कि आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों ये लोन प्रोवाइड तो कराती है, साथ ही साथ सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आपसे मांगी जाती है। यदि आप यहाँ पर सैलरीड प्रोफेशनल होंगे तो ही आप लोन के लिए अप्लाई करें, अन्यथा लोन बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पड़ाव थे जो कि मैंने आपके साथ डिटेल यहाँ पर दोस्तों शेयर किया है। बैंक स्टेटमेंट जैसे आप अपलोड कर लेते हैं उसके बाद KYC डिटेल वगैरह अपलोड यहाँ पर करना होता है, उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करिए जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। दोस्तों जैसे आप बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करते हैं उसके बाद आपको यहां पर दोस्तों इस तरह से आपने बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर लिया, उसके बाद आपको सेल्फी देना होता है, पैन कार्ड अपलोड करनी होती है, उसके बाद कंप्लीट करना होता है KYC डिटेल्स जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड होते हैं। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद 4 स्टेप में आपको पता चल जाता है कि भाई आपको अप्रूवल मिलेगी या फिर नहीं। ऊपर में आप देख सकते हैं ₹1 का यहाँ पर वैलिड करने के लिए अकाउंट, आप देख सकते हैं ₹1 यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट किए गए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो वैलिड करने के लिए उसके बाद सेल्फी, पैन कार्ड और कंप्लीट करना होगा KYC डिटेल, उसके बाद यहाँ पर आपको लोन की अप्रूवल फाइनली पता चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस ऐप के बारे में आपने देख लिया कि किस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई किए जाते हैं और एप्लीकेशन के अंदर में क्या बदलाव किया गया है। पहले एप्लीकेशन ये अर्ली सैलरी के नाम से आपको देखने को मिलता था और अलग इंटरफेस भी थे, लेकिन अब यहाँ पर 5 के नाम से आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। यदि आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, सैलरीड प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, घर बैठे इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए से, तो डेफिनेटली आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन ले सकते हैं, वो भी मैक्सिमम लोन 5 लाख रुपए, जिससे आप इजी इंस्टॉलमेंट में मंथली आप लोन की चुकता कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट दोस्तों जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।